अब हम इस मशीन के एडवांस फंक्शंस पे आते हैं. अभी हमने बेसिक फंक्शंस डिस्कस किए, अब जो हम स्पेशल अल्ट्रासाउंड्स करते हैं कि हम जनरली हर मशीन की सेटिंग बाय डिफॉल्ट एब्डोमेन पे होती है. आप देखें यहाँ एब्डोमेन लिखा हुआ है, इट मींस कि इस मोड में आप एब्डोमेन के स्कैन्स कर सकते हैं. लेकिन अगर आप इस जैसे इस मशीन में एलसीडी है, कुछ मशीन्स में मेन्यू का बटन होता है, इसमें आप अगर प्रीसेट का बटन दबाते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं या प्री डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस हैं, एब्डोमेन, गाइनी, थायराइड ग्लैंड, कैरोटिड और इस तरह एंड सो फोर्थ. अब आप जो भी इसमें से सिलेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज आप इसमें से गाइनी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे गाइनी. क्यों ये किया? क्योंकि गाइनी की मेजरमेंट्स डिफरेंट हैं एब्डोमेन की मेजरमेंट्स और कैलकुलेशंस डिफरेंट हैं. जब आपने फ्रीज का बटन प्रेस किया और यहाँ पे अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मुख्तलिफ मेजरमेंट्स आ रही हैं, बीपीडी, ओएफडी, ये सब गाइनी की मेजरमेंट्स हैं जो एब्डोमेन में नहीं आती. मैं आपको भी दोबारा जो है ये दिखाता हूँ, प्रीसेट्स में जाके एब्डोमेन में, तो जब हम फ्रीज करते हैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आती, इसलिए हमें प्रीसेट्स को इस्तेमाल करना है. इन्हीं प्रीसेट्स के साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कैलिपर है. कैलिपर पे निशान भी बना हुआ है स्ट्रेट लाइन, दिस मींस कि यू कैन मेजर डिस्टेंस. लेकिन सिर्फ डिस्टेंस नहीं, जब आप देखेंगे तो स्क्रीन पे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, एंगल, जॉइंट के अंदर या वेसल्स का स्टेनोसिस या उनका डायमीटर. तो जो भी आपने मेजर करना है आप उस पर क्लिक करेंगे, कैट से इसको मूव करेंगे और जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ सेट एक दफ़ा प्रेस करेंगे और उसको दोबारा ले जाएंगे और दोबारा सेट जो है आप दबाएंगे तो आपकी जो भी है वो रीडिंग यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी. अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट का बटन दबा दें तो ये गायब हो जाएगी. इसी तरह ए बी सी, अगर आप उसको लेबल करना चाहते हैं तो लेट्स सपोज ये लिवर का एरिया होता तो पहले से भी लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज़ जो पहले से नहीं लिखी हुई तो इसके नीचे कीबोर्ड होता है, आप उस पर टाइप करेंगे तो इस तरह टाइप होकर आ जाएगा और एंटर का बटन दबाएंगे तो आप निचली लाइन में, जस्ट लाइक अ कंप्यूटर कीबोर्ड. और दोबारा अगर डिलीट ऑल करेंगे तो सब डिलीट हो जाएगा, डिलीट करेंगे तो सिंपल. इसी तरह एरोज प्रिंट हो जाएंगे, इसको अगर आप कैट के साथ लगी नॉब को घुमाएंगे तो यू कैन इवन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एरो एज़ वेल. बस ये